अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज डिटरमिनेशन ऑफ केसी वैल्यू। बेटे, आपको हमारे चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन, कोई भी इक्वेशन आ जाती है, कहा जाता है उसकी केसी की वैल्यू निकालें या आप उसकी यूनिट्स निकालें। फर्स्ट इक्वेशन में यहां लिखने लगी हूं, दिस इज एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH इथाइल अल्कोहल गिव्स अस COCO2H5 एंड साल्ट वाटर। तो बेटे, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब हमारा रिएक्शन टाइम जीरो अप्रोच करता है ना, रिएक्शन, तब रिएक्टेंट्स हमारे मैक्सिमम होते हैं। हमेशा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन स्टार्ट में ए, बी, अगर तीन है तो सी भी लिख लो, लेकिन प्रोडक्ट इस वक्त क्या होते हैं, बिल्कुल भी नहीं बनते। जब टाइम आगे अप्रोच करता है इक्विलिब्रियम पर, रिएक्टेंट्स में कमी आएगी, कितनी कमी आएगी, अगर तो बेटे रिएक्टेंट में यहां 2 लिखा है ना तो 2x, यहां पर 3 लिखा है तो 3x, अगर कुछ नहीं लिखा यानी 1 लिखा है तो इधर 1 आएगी कमी, यानी ओनली 1x। बी में भी कितनी कमी आई, एक्स, इसमें अगर यहां 2 लिखा है तो इसमें 2x इजाफा होगा, लेकिन यहां भी 1 लिखा है तो 0 प्लस एक्स इजाफा हो गया। यहां पर भी आपको पता है, यहां मैं प्लस कर रही हूं x और यहां माइनस, रीजन क्या है, रिएक्टेंट्स में कमी आएगी और प्रोडक्ट्स में इजाफा होगा। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। हमें कंसंट्रेशन चाहिए केसी की वैल्यू निकालने के लिए। हम कंसंट्रेशन के लिए हर जगह पर इनके मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्लियर है। अब आप सबको पता है केसी की वैल्यू कैसे निकलती है, ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऊपर आएगी हमारे पास प्रोडक्ट और नीचे आएगी हमारे पास रिएक्टेंट। अब इनकी कंसंट्रेशंस की वैल्यू निकाली आपने, आगे ये वाली, इसकी जगह पर x बाय वी, वॉटर की जगह पर x बाय वी, ए माइनस x बाय वी एंड ए बी माइनस x बाय वी, इट विल गिव्स अस x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स ओवर वी स्क्वायर, वी वी से कैंसिल, एक्स स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, केसी की वैल्यू आ गई, क्लियर है। इस तरीके से बेटे आप लोग केसी की किसी भी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में एक और इक्वेशन लिखते हैं, यहां पर एन टू प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। जरा चेक करिएगा, सबसे पहले जब टाइम जीरो है, ए क्या ये 3B होगा? हमेशा स्टूडेंट्स गलती करते हैं बेटे, जब 3 लिखा है पहले इनिशियल बी ही लिखोगे, इसको 2 लिखा है इनिशियल जीरो ही लिखोगे, जब फाइनल में कमी आएगी तब वो 3x आएगी,
जब फाइनल में इजाफा होगा जब वो 32x होगा। नीचे इसकी कंसेंट्रेशन कर दो, क्लियर है? कैसे निकालेंगे जी अमोनिया की? ऊपर NH3 और जो एक्सपोनेंट में जाएगा दैट विल बी कोएफिशिएंट, और नीचे N2 एंड H2 क्या आएगा एक्सपोनेंट में? 3। NH3 की जगह पर 2x ओवर V और पावर में 2, N2 की जगह पर A माइनस एक्स ओवर V और H2 की जगह पर B माइनस 3x ओवर V का होल क्यूब। बेटी इसमें एक चीज याद रखनी है, आपने ये B माइनस 3x के क्यूब को खोलना नहीं, ठीक है? ऊपर वाले को खोलें 4x स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, नीचे वाले को देखें A माइनस एक्स ओवर V, B माइनस 3x का क्यूब अलग कर लें और V क्यूब अलग कर लें। जो नीचे वाला V क्यूब है ना, इसके दो V इससे कैंसिल हो जाएंगे, एक V रह गया, 4x स्क्वायर क्या आएगा? A माइनस एक्स बी माइनस 3x क्यूब V स्क्वायर। ये V स्क्वायर डबल डिवीजन में नीचे डिवाइड हो रहा है, ये 4x स्क्वायर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर V स्क्वायर और साथ A माइनस एक्स बी माइनस 3x होल क्यूब। ये अमोनिया की केसी की वैल्यू, समझ आई? इस तरीके से हर प्रोसेस में जो हमारे पास केसी की वैल्यूज होती हैं वो निकाली जाती हैं, क्लियर है? अब मैं अगली केसी की वैल्यू निकालती हूं। यहां पर हम लिखते हैं PCl5 gives us PCl3 plus Cl2। इनिशियल कंसेंट्रेशन इसकी A। अब आपको होगी कि रिएक्टेंट्स दो बन रहे प्रोडक्ट्स दो, बेटे ऐसा हो जाता है, इनको रिएक्टेंट्स नहीं सोचने लगना, दिस इज रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट्स। A माइनस एक्स कमी आई, 0 प्लस एक्स एंड 0 प्लस एक्स ओवर वी कंसेंट्रेशन के लिए ए माइनस एक्स ओवर वी इसकी कंसेंट्रेशन, एक्स ओवर वी इसकी कंसेंट्रेशन, एक्स ओवर वी इसकी कंसेंट्रेशन। तो केसी के लिए ऊपर क्या आएगा? PCl3 Cl2 और नीचे क्या आएगा? PCl5। एक्स बाय वी और नीचे क्या आएगा? ए माइनस एक्स बाय V, एक V से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर V, A माइनस एक्स, तो आंसर आएगा डबल डिवीजन में नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर A माइनस एक्स इंटू वी। समझ आई बात की? इस तरीके से हमें क्वेश्चन आता है, इसमें कोई आप लोगों को लिखना नहीं पड़ता, डेरिवेशन ही आती है कि वैल्यूज निकालें क्या निकलती हैं, क्लियर है? अब एक और निकालते हैं। N2O4 gives us 2NO2। A 0, A minus X, 2X, A minus X over V and 2X over V. KC ऊपर आएगा NO2 कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कोएफिशिएंट इनटू पावर एंड N2O4 2x ओवर V का स्क्वायर इनटू A माइनस X ओवर V दैट विल बी 4x स्क्वायर ओवर V स्क्वायर A माइनस X ओवर V 4x स्क्वायर
ओवर वी स्क्वायर, ये है ए माइनस एक्स ओवर वी, वी वी से कैंसिल, 4x स्क्वायर, ए माइनस एक्स डबल डिवीजन में वी नीचे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एन टू ओ फोर। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए केसी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, कोई भी क्वेश्चन हुआ पूछिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट इसके जैसा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।